हेलो गाइस, दिस इज पर वेलकम टू माय चैनल देसी व्लॉगर। सो गाइस, कैसे आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे, सही होंगे, सही सलामत होंगे। काफी सारे लोग मेरे इंस्टाग्राम में, मेरे फेसबुक में या मेरे यूट्यूब में फ्रेशर हैं जो कि जस्ट अभी होटल लाइन से जुड़े हैं या जुड़ने वाले हैं, तो उनके लिए आज का वीडियो होने जा रहा था। हमने तो आपने देख ही लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं कि कौमी थ्री का क्या काम होता है जब वो सबसे पहले किचन के अंदर आता है, या सबसे पहले जो पोजीशन आपको कौमी थ्री की मिलती है तो आपको क्या काम करना पड़ता है, क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, किस किस तरह की सिचुएशन आपको डील करनी पड़ती है। तो काफ़ी सारी बातें हैं, इन सभी बातों पर आज डिटेल से बात की जाएगी। सो उस वजह से पहले मैं आपको बता दूँ कि ये वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि अगर आप फ्रेशर हैं और अगर आपके लिए वीडियो काम आने वाला है तो इस वीडियो में काफी सारे पॉइंट्स हैं, काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपके जरूर काम आने वाले हैं इन फ्यूचर। सो शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखिएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो मैंने काफी सारे नोट्स भी बना के रखे हुए हैं जिससे कि इजी हो जाएगा मेरे लिए और आपके लिए भी समझना। सो काफी सारे पॉइंट है इसमें जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। वैसे मैं आपको बता दूं कि आज मैंने शेफ कोट नहीं पहना हुआ है, आज नॉर्मल ड्रेस में ही आपसे बात करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो कौमी थ्री होता है वो जब किचन के अंदर आता है तो उसको एक एरिया जो है सेलेक्ट करके दिया जाता है कि आपको यहाँ पर काम करना है। वो एग्जीक्यूटिव भी दे सकता है या तो सुशेफ भी दे सकता है आपको। सो एक एरिया आपको दिया जाता है कि आपको चलो चाइनीज में काम करना है, या आपको इंडियन में काम करना है, या बेकरी में काम करना है, या पेस्ट्री में काम करना है, कोई सा भी मतलब एक डिपार्टमेंट दिया जाता है वहाँ पर आपको अपना काम करना पड़ता है। कौमी थ्री एक ऐसा लेवल है जो कि सबसे छोटा लेवल है किचन के अंदर और सबसे पहली पोजीशन है किचन के अंदर आप बोल सकते हैं। तो कौमी थ्री का ऐसा नहीं है कि आप किसी भी डिपार्टमेंट में आप काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर आपने ट्रायल दिया है, अगर आपने इंटरव्यू वगैरह दिया है, आपने सपोज इंडियन के लिए इंटरव्यू दिया है, ट्रायल दिया है, तो ऑब्वियसली आप इंडियन में ही अपना कंटिन्यू करेंगे फ्यूचर। बट इन केस अगर आपने कोई ट्रायल नहीं दिया है या आप अपना ITJT करके सीधा किचन में एंट्री कर रहे हैं, इंटरव्यू देके एंट्री कर रहे हैं, तो उसके बाद जो है आपका एग्जीक्यूटिव, आपका सुशेफ जो है आपको एक एरिया देता है जहां पर आपको काम करना पड़ता है। आपको अपने आप से अपने मन मुताबिक काम नहीं करना पड़ता है कि हाँ मैं आज यहाँ पर कर लेता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर सीख लेता हूँ, थोड़ा यहाँ चाइनीज का भी सीख लेता हूँ, थोड़ा गार्डमेंजर का भी सीख लेता हूँ, ऐसा नहीं करना होता है। जो आपको एरिया दिया रहता है आपको उसी एरिया में फोकस करना पड़ता है और आगे बढ़ना पड़ता है। कौमी थ्री का लेवल ऐसा होता है कि आप सीधा खाना बनाना स्टार्ट नहीं कर सकते। कौमी थ्री सबसे छोटा लेवल होता है, तो आपको सबसे पहले बेस जो है वो सीखना पड़ता है। किचन का जो बेस होता है, किचन के अंदर जो काम करते हैं उसका जो बेस होता है वो आपको सीखना पड़ता है। सपोज आपका वेजिटेबल आया है, उसको रिसीव करना, यू नो ऑनियन, पोटैटो या कई सारे वेजिटेबल होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, वो सब कुछ आपको रिसीव करना होता है, उनको वॉश भी करना होता है, ठीक है। उसके बाद आपको उनको धो के उनको बॉयल भी करना पड़ता है। सपोज ऑनियन है तो उनको पील करना पड़ता है। तो ये काम जो है आपको एज अ कौमी थ्री करना पड़ता है। उसके अलावा आपको स्टोर लाना पड़ता है। स्टोर के बारे में आपको पता होना चाहिए, काफी सारे इंग्रेडिएंट्स वगैरह, काफी सारे मसाले या काफी सारी चीजें होती है स्टोर के अंदर जिनकी आपको नॉलेज नहीं होती है, बट यहीं से आपका एक्सपीरियंस शुरू होता है। चाहे वो वेजिटेबल रिसीव करना हो, चाहे वो स्टोर रिसीव करना हो। अगर वेजिटेबल रिसीव कर रहे हैं तो आपको वेजिटेबल के नाम पता चलेंगे, आपको उनके बारे में पता चलेगा कि कितने तरह के वेजिटेबल होते हैं, कौन कौन से फ्लेवर के वेजिटेबल होते हैं, किस तरह दिखते हैं, ये सारी चीजें आपको पता चलेगी जब आप वेजिटेबल रिसीव कर रहे हैं। उसी के साथ साथ आप जब स्टोर रिसीव कर रहे हैं, स्टोर लेने जा रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन से मसाले या कौन कौन से सामान होते हैं स्टोर में रखे हुए जिनको आपको पता होना जरूरी है, जो आपके डिपार्टमेंट में काम आते हैं, तो उनके बारे में आपको नॉलेज होना जरूरी है। तो धीरे धीरे करके यहाँ से आपका एक्सपीरियंस बनता है और आपको काफी सारी चीजों के बारे में नॉलेज होती है। तो ये सारे काम जो है आपको एज अ कौमी थ्री करने पड़ते हैं। ये नहीं कि आपने सीधा खाना बनाना स्टार्ट कर दिया, ये नहीं कि आपको सीधा पैन पकड़ा दिया और लैडर पकड़ा दिया और चलो भाई ये ऑर्डर आया है ये लगा लो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कौमी थ्री से आपको बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। जब आपका सीनियर, आपका CDP या आपका कौमी वन या CDP या सुशेफ जो भी है आपको हर समय देख रहे होते हैं, और जब उनको लगता है कि हाँ ये अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लायक हो गया है, इसको हम पोजीशन दे सकते हैं, तब जाके आपको धीरे धीरे करके एक छोटा ऑर्डर दिया जाता है कि चलो ये लगाओ, दाल तड़का लगाओ, मतलब उससे थोड़ा बड़ा लेवल का थोड़ा कोई खाना बना के दिखाओ, फिर थोड़ा और बड़े लेवल का। तो ऐसे करके धीरे 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 करके आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, चाहे वो काम में हो, चाहे वो ऑर्डर लगाने में हो। तो धीरे धीरे करके आपका जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे वैसे आप आगे बढ़ते हैं अपने फ्यूचर में, अपने गोल में। तो जहां पर आपका एरिया होता है, जहां पर कि आपके सीनियर खाना बनाते हैं, ऑर्डर लगाते हैं, वहां पर आपको हर समय एज अ कौमी थ्री क्लीन करना पड़ता है। जब आप किचन में एंट्री करते हैं तो सबसे पहले आप अपने सीनियर को विश करेंगे, अपने एग्जीक्यूटिव को, अपने सुशेफ को या दूसरे डिपार्टमेंट के जो भी सीनियर्स लोग हैं उनको आपको विश करना पड़ता है अच्छे से। और उसके बाद जब आप अपने डिपार्टमेंट में एंट्री करते हैं तो उसके बाद सबसे पहले जो आपका काम होता है वो होता है अपने जहाँ पर आपका ऑर्डर लगाए जाते हैं वो एरिया पूरा क्लीन होना चाहिए, पूरा जड़ तक क्लीन होना चाहिए। और उसके अलावा जहाँ उसके ऊपर हुड वगैरह होते हैं, जहाँ पर कि काफ़ी सारा धुआं जाता है, यू नो एग्जॉस्ट होता है, तो वहाँ से धुआं जाता है, वहाँ पर काफ़ी सारा ऑयल जम जाता है,
कई होटलों में ऐसा होता है कि स्टीवर्डिंग उनकी सफाई करता है, मगर कई जगह पे ऐसा होता है कि शेफ लोगों को, खासकर जो छोटे लेवल के होते हैं, जो आईटी पे आए रहते हैं, जो जेटी पे आए रहते हैं या जो कॉम्बी 3 होते हैं, उनको वहां पर चढ़ा के सफाई किया जाता है। बिलीव मी, मैंने जो सफाई करी है ना, मेरे हाथ पूरे कट गए हैं। और हम जूना आपको पता होगा, जो कि जिससे बर्तन धोते हैं, जो लोहे वाला होता है, उससे हम रगड़ रगड़ के साफ करते थे। ऑयल को निकालना कितना मुश्किल होता है, जो जम जाता है, इतनी मोटी परत हो जाती है, उसको हमको निकालना पड़ता था। तो ऐसे कई सारी सिचुएशन आती है लाइफ में या होटल इंडस्ट्री के कैरियर में, ऐसी काफ़ी सारी आपकी सिचुएशन आती है जिसको आपको हैंडल करना पड़ता है। और वहाँ पर हार नहीं माननी होती, काफ़ी सारा नेगेटिव फीलिंग्स आती है, काफ़ी सारा नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि यार क्यों किया, ये किया, इतने पैसे लगा, ये वो सो। तो उन सबको पीछे छोड़ते हुए आपको पॉजिटिव रहना पड़ता है और आगे बढ़ना पड़ता है। इसीलिए मैं अपने इंस्टाग्राम में या हर जगह पे आप लोगों को बोलता हूँ कि हार्डवर्क। जब तक आप हार्डवर्क नहीं करोगे, तब तक आपको मुकाम हासिल नहीं होगा, या जो आपने एम सोचा हुआ है, अपना गोल सोचा हुआ है, वो आपको हासिल नहीं होगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एज अ कॉमिटी आपको करनी पड़ती है। अपने एरिया का पूरी सफाई करनी पड़ती है। अगर वहाँ पे मसालादानी रखी हुई है तो उसमें सारे मसाले भरे हुए नहीं हैं, ये भरे हैं कि नहीं है, वो आपको देखना पड़ता है। अगर नहीं भरे हुए तो उनको भरना पड़ता है। ये नहीं कि आपको CDP आया या आपका सीनियर कॉमी वन आया, वो आपको फिर डांट रहा है, वो आपको गाली दे रहा है। इंडिया में गाली देना तो बहुत ही नॉर्मल है, या आप लिख के ले लीजिए, आप लोगों ने सुना भी होगा। तो गाली देना या लात घूंसे खाना भी कई जगह पर ऐसा होता है। तो ये सारी सिचुएशन आपको हैंडल करनी पड़ती है। तो क्लीन करना, मसाले नहीं है उनको भरना, और फूड वगैरह सब कुछ आपको क्लीन रखना पड़ता है। चिल्लर में आपको डेट टैग वगैरह चेक करने पड़ते हैं, डेट टैग है कि नहीं है, क्योंकि म्युनिसिपैलिटी आ सकती है। ये जो सीनियर्स होते हैं उनका काम नहीं होता कि उनको डेट चेक करें या एक्सपायर है कि नहीं है, किसी में फंगस तो नहीं है, ये सीनियर का काम नहीं होता। ये सारा काम जो होता है वो जूनियर का होता है, चाहे वो IT हो, JT हो या कॉमी 3 हो। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको करनी पड़ती है इन द किचन एज अ कॉमी 3। सफाई के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि आप सैनिटाइजेशन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। सैनिटाइजर करना भी आपको जरूरी होता है, काफ़ी सारे बैक्टीरिया होते हैं। है सब की नॉलेज डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े ब्रांड में काम कर रहे हैं, कितने बड़े ब्रांड के कैटेगरी के ब्रांड में आप काम कर रहे हैं। अगर 5-स्टार कैटेगरी में काम कर रहे हैं या अच्छे ग्रुप में काम कर रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली हैसअप के बारे में नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको हैसअप के बारे में नॉलेज नहीं है, थोड़ी सी नॉलेज मैंने शेयर करी है अपने यूट्यूब चैनल में, आप यहाँ पर आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं मैंने हैसअप के बारे में थोड़ी सी नॉलेज आपको दी है कि क्या सिचुएशन होती है और कैसे आपको हैंडल करनी पड़ती है। तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो हैसअप के बारे में नॉलेज होनी आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके बहुत ज़्यादा काम आती है वो, अगर आप एक अच्छे ब्रांड के होटल में काम कर रहे हैं तो। और उसके अलावा जो है, आपको सपोज करिए आपको ऑर्डर लगाने के लिए दे दिया आपके सीनियर ने, सपोज करिए आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर दिया, आपको ऑर्डर लगाना शुरू कर रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो रेसिपी आपको अप्लाई की गई है सू शेफ या एग्जीक्यूटिव के थ्रू, आपको वो अप्लाई करनी पड़ती है, आपको वो चेंज नहीं करनी पड़ती। ये नहीं कि आपने उसको दूसरा मसाला डाल दिया, आपने सोचा कि थोड़ा सा इससे भी फ्लेवर अच्छा आ जाएगा, तो इसको मैं थोड़ा ट्राई करता हूँ। तो ये सब ध्यान में रखना पड़ेगा, जो रेसिपी है आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। साथ साथ आपको कटिंग्स की नॉलेज भी होनी चाहिए, कटिंग कौन कौन सी होती है, किस किस तरह की होती है, कैसे कैसे आपको करनी होती है, ये सब सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए। चाहे आपने डिप्लोमा किया हो, चाहे आपने डिग्री किया हो, चाहे आपने IHM से किया हो, चाहे आपने IIHM से किया हो, आपको कटिंग्स की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको पहले ही सिखा दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने एज अ कॉमी 3 अप्लाई कर दिया है, अपनी जॉब स्टार्ट कर दी है और आपको कटिंग करनी ही नहीं आती। आपका जो सीनियर होता है वो आपको बहुत गुस्सा कर सकता है, आपको गाली दे सकता है, या आपका जो है बहुत बड़ा माइनस पॉइंट हो सकता है। आप नज़रों में आ सकते हो कि यार इसको तो ये आता ही नहीं है, कॉमी 3 कैसे बन गया। तो अगर ऐसे माइनस पॉइंट आप लेके चलेंगे, तो आपका आगे बढ़ना उस होटल में जहाँ पर आप काम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। जितने ज़्यादा आपके पास प्लस पॉइंट होंगे, जितनी ज़्यादा आपको नॉलेज होगी, उतना ही आपको आगे बढ़ने में ईजी रहेगा, उतनी ही जल्दी आपको प्रमोशन भी मिलेगा। जितनी ज़्यादा आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, जितने ज़्यादा आप खड़े उतरेंगे अपने पोजिशन पर, उतनी ही जल्दी आपको अगला प्रमोशन मिलेगा। याद रखिए, अगर आप कॉमी 3 हैं तो आपको कॉमी 2 का काम पकड़ना पड़ता है, करना पड़ता है। अगर आप कॉमी 2 हैं तो आपको कॉमी 1 का काम करना पड़ता है, पकड़ना पड़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। हमेशा याद रखिए, ऐसा नहीं है कि आप कॉमी 3 का काम कर रहे हैं तो आप ये सोच रहे हैं कि यार मुझे तो बहुत ज़्यादा आता है कॉमी 3 इनफ है, ये दूसरे कॉमी 3 को तो इतना भी नहीं आता है। ये हमेशा याद रखिए कि आप अगर जिस पोजिशन पर हैं, आपको उससे एक ऊपर पोजिशन काम करना पड़ता है, तभी आपको प्रमोशन मिलता है, तभी आप नज़रों में चढ़ते हैं कि हाँ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, ये इतना काम भी कर सकता है।
हमेशा याद रखिए। इसके अलावा जो सूप होते हैं, सॉसेज होते हैं या स्टॉक्स वगैरह होते हैं, ब्रॉथ वगैरह होता है, ये सब कुछ आपको नॉलेज होनी जरूरी होती है, क्योंकि एज अ कॉमी थ्री ये सारी चीजें जो है पहले ही सिखा दी जाती है जब आप IT कर रहे होते हैं या जब आप JT कर रहे होते हैं। अगर आपको दिख रहा है कि कोई चीज एक्सेस हो रही है आपके पास, कोई चीज ज्यादा ऑर्डर कर रखी है या ज्यादा मात्रा में आपके पास पड़ी हुई, तो आपको अपने सीनियर को जो है बताना पड़ता है, उनको इन्फॉर्म करना पड़ता है, एग्जीक्यूटिव को या सूस शेफ को, अपने डिपार्टमेंट के हेड को आपको इन्फॉर्म करना पड़ता है कि शेफ हमारे पास इस चीज का एक्सेस मात्रा है, हमारे पास इस चीज की मात्रा जो है ज्यादा है, काफी ज्यादा है। तो कॉस्ट कंट्रोल हो गया, मेन्यू प्लानिंग हो गया, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ती है एज अ कॉमी थ्री। चाहे वो फूड हाइजीन हो, चाहे वो फूड कॉस्ट हो, चाहे वो एक्सेस फूड हो, इन सब की नॉलेज आपको होनी जरूरी है, जो कि आपके फ्यूचर में जरूर काम आती है। आपको साथ साथ ब्रीफिंग भी अटेंड करनी पड़ती है, आपके जो सीनियर्स होते हैं वो काफी सारी ब्रीफिंग लेते हैं, काफी सारी ट्रेनिंग लेते हैं आपकी, तो उनको अटेंड करना भी जरूरी होता है। अपने टीम में, अपने किचन के अंदर, चाहे अपने टीम में, आपको एक टीम वर्क की तरह काम करना पड़ता है, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना पड़ता है, अपने स्किल्स दिखाने पड़ते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, अगर आपके पास कोई आइडिया है या आप कुछ भी बोलना चाहते हैं, कुछ भी शेयर करना चाहते हैं, अपने आइडिया, अपना ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं, तो आपको अपने सीनियर से बात करनी पड़ती है, उनके साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि आप अपने में ही चुप हैं, अपने में ही काम किए जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। फॉलो एंड मेंटेन क्लीननेस एंड हाइजीन इन द किचन। जैसे कि बोलते हैं एक शेफ को हमेशा हाइजीनिक रहना चाहिए, तो आपको फॉलो करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है क्लीननेस और हाइजीन इन द किचन। कई बार आपके जो सीनियर होते हैं आपको आपको किसी मशीन को यूज करने के लिए काम दे देते हैं, आपको बोलते हैं कि इसको थोड़ा हॉट करके लाना, इसको थोड़ा ग्रिल कर देना, इसको थोड़ा ओवन में 5 मिनट रख देना, या कुछ भी इस तरह का काम दे देते हैं जो मशीन से रिलेटेड होता है, तो आपको मशीन चलाना भी आना चाहिए। कई डिफरेंट काइंड ऑफ ओवन होते हैं, ब्लास्ट चिलर होता है, मिक्सचर होता है, ग्राइंडर होता है, यू नो, काफी सारे बेकरी में भी आपने देखे होंगे काफी सारे इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं, या किचन में भी काफी सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, माइक्रोवेव वगैरह हो गया, तो ऐसी काफी सारी मशीनरी होती है जो कि किचन के अंदर मिलती आपको जब आप एज अ कॉमी थ्री जाते हैं, किचन में एंट्री करते हैं, तो आपको ये सारी मशीनों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, उनको कैसे चलाते हैं वो आपको पता होना चाहिए। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको फ्लेक्सिबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आप IT कर रहे होते हैं या JT कर रहे होते हैं या कॉमी थ्री पे आप होते हैं, काफी ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपको एक्स्ट्रा करने पड़ते हैं। ये नहीं कि आप 9 घंटे सोच रहे हैं कि हाँ होटल इंडस्ट्री में तो 9 घंटे की ड्यूटी होती है, उसके बाद आप रूम पे जाओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा है मगर एक्सपीरियंस लेने के बाद, काफी टाइम के बाद जब आप पूरा नॉलेज गेन कर लोगे, एक अच्छी पोजीशन में पहुंच जाओगे, तब जाके शायद ये हो सकता है 9 घंटे की ड्यूटी। मगर जब आपका स्टार्टिंग टाइम हो रहा है, स्पेशली एज अ कॉमी थ्री, तो आप बिल्कुल ही मत सोचिएगा कि आपकी 9 घंटे की ड्यूटी होने वाली है, कम से कम आपकी 10 घंटे 12 घंटे की ड्यूटी होने वाली है। एक्स्ट्रा करने के लिए हमेशा रेडी रखिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप एक्स्ट्रा करेंगे, हमेशा याद रखिए कि वो वेस्ट नहीं होंगे, काफी जगह पे आपको उनका ओवरटाइम भी मिल जाएगा, और जहां पे ओवरटाइम भी नहीं मिलेगा वहां पर आपका एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा, आपका सीनियर देखेगा कि हाँ ये एक्स्ट्रा कर रहा है, बिना रोए बिना धोए ये एक्स्ट्रा कर रहा है। तो काफी सारे ऐसे पॉइंट होते हैं जो आप प्लस पॉइंट बना सकते हैं और आगे बढ़ने के लिए, प्रमोशन लेने के लिए अपने आप में डेवलप कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। सो बी फ्लेक्सिबल, बी रिस्पॉन्सिबल। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट डाउन, और यू कैन आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम जो कि है देसी ब्लॉगर विदाउट एनी स्पेस। आप मेरे को फेसबुक पर ही फॉलो कर सकते हैं जो कि है देसी ब्लॉगर, और काफी सारे पॉइंट जो है आज छूट गए होंगे शायद, काफी सारे पॉइंट जो है आपको और आपके साथ और शेयर करना बाकी है, बट वो आने वाले टाइम में बिल्कुल मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। काफी सारे वीडियोस और आने वाले हैं, कुकिंग के वीडियोस आने वाले हैं, 2-3 वीडियो पहले आ चुके हैं, अगर आप नहीं देखे तो जाइए मेरे यूट्यूब चैनल में चेक करिए, मैंने पैनकेक बनाया है, पास्ता बनाया है, तो काफी सारे वीडियो जो है कुकिंग के आने वाले हैं, जरूर देखिएगा। स्टे कनेक्टेड और स्टे ट्यून्ड। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो, सी यू देन, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।